Chana students, today we are going to study standard 9, chapter 9, environmental management, and this is the third part of this chapter. In this we will see solid waste management need of ours. Kya hai ye? What is this? तो सॉलिड वेस्ट जो है आज के डेट में बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है. क्या होता है सॉलिड वेस्ट? तो मैंने वैसे डेफिनेशन लिख के रखा है, बट आई विल क्लियर यू लेटर. तो सॉलिड वेस्ट जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, क्योंकि इतना सारा जो कचरा निकल रहा है, इस वेस्ट को ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल है. तो ये प्रॉब्लम है और इसका मैनेजमेंट सीखना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है. इसीलिए टाइटल का नाम है, टॉपिक का नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ आर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. बिफोर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. लेट्स सॉलिड वेस्ट डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर. मेनी वेस्ट मटेरियल्स आर जनरेटेड थ्रू वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटीज. ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हमारी डेली एक्टिविटीज से निकल रहे हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट. ओके, सो अगर हम इससे वैसे तो डिस्पोज करना हमारे लिए चैलेंजिंग है, बट अगर इसे प्रॉपर डिस्पोज किया जाए, इफ वी डिस्पोज इट प्रॉपरली, देन इट गिव्स अस वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और इट एक्ट एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हमें इसे प्रॉपर डिस्पोज किया तो हमें एक बहुत अच्छी एनर्जी का सोर्स मिल सकता है. एनर्जी का सोर्स मतलब क्या है? तो हम इसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड 10 तक वेट करना होगा. उसमें इसका बहुत अच्छा पार्ट दिया हुआ है, हम तब पढ़ेंगे. तो बस अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि इट गिव्स अस वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन. ऑब्वियसली इट इज अ सॉलिड वेस्ट एंड इट कॉज बोथ पोल्यूशन, दैट इज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. एंड द सीरियस प्रॉब्लम, it cause serious problems in the point of view economic growth, environmental degradation and health. किस point of view से ये हमारे लिए serious problem create कर रहे हैं? तो हमारी economic growth रुक रही है. economic growth का मतलब क्या होता है? तो पैसों से related हमारे देश की जो क्या बोलेंगे, पैसे से related हमारी जो condition है उसे हम economic growth बोलते हैं. ठीक है, पैसा हमारे देश की संपत्ति बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. हम कुछ भी अच्छा करने जाते हैं, अगर हमको इंडस्ट्रीज भी बनानी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें इंडस्ट्रीज भी बनानी है, तो अगर मैंने इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी है, काफ़ी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है, बट इसमें से निकलने वाला जो सॉलिड वेस्ट है इसे कहाँ डिस्पोज करें, ये अगर आपके सामने इसका अगर क्राइटेरिया अगर आपके सामने फिक्स नहीं है, तो हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाने में थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे हमें स्टेप लेना होगा. तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्या हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं. देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. हमारा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? तो क्वालिटी ख़राब होना. तो हमारे एनवायरमेंट की क्वालिटी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है. हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं. ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं हो रहा है इसी की वजह से. सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है. ये पोल्यूटेड वाटर अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन आवर बॉडी. लेट्स इट इज द थ्रेट टू नेचर एंड ह्यूमन हेल्थ. इट इज थ्रेट. ये थ्रेट है, एक थ्रेट के लिए क्या बोलेंगे, एक हमारे लिए धोखा है ना, हमारी हेल्थ के लिए धोखा है, या हम बोलेंगे हमारे नेचर के लिए धोखा है. क्यों धोखा है? क्योंकि इट इज क्रिएटिंग पोल्यूशन. ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. सो वी इट इज द नीड ऑफ आस टू स्टडी अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके स्टूडेंट, तो हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसीलिए पढ़ना है कि इसके इनसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. एक और दिया है टॉपिक, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको. गार्बेज प्रोडक्शन पर डे आपकी बुक में है, येलो कलर का बॉक्स, उसमें हमें दिया है कि मुंबई में पर डे में कितना सॉलिड वेस्ट निकलता है. तो दिया है 5000 टन. फिर पुणे में दिया है तो 1700 एंड नागपुर दिया है 900 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. इतना जो वेस्ट है पर डे निकल रहा है. तो आप थोड़ा सोचिए, अभी ये तीन ही शहरों का दिया है, इतने सारे शहर हैं, इतने घरों से रेगुलर वेस्ट निकल रहा है,
तो इतने वेस्ट को डिस्पोज कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा इसको डीपली अपने इसमें सोचेंगे माइंड में कि हाँ, हर एक घर से अगर एक बकेट कचरा निकलता है तो मेरे एरिया से कितना ना निकलता होगा, फिर मेरे टाउन से कितना निकलता होगा, फिर मेरे सिटी से कितना निकलता होगा, उसके बाद केवल मेरी सिटी है तो सिटी में और छोटे छोटे टाउन्स भी है ना, पूरे आ जाएंगे उसके अंदर, फिर मेरे महाराष्ट्र से कितना निकलता होगा, फिर मेरे इंडिया से कितना निकलता होगा, और इससे एक दिन की मैं बात कर रही हूँ, और इससे डिस्पोज करना या फिर इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसे नष्ट कैसे करना है या इसमें से सेपरेशन कुछ करना है तो किस तरीके से करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। सो ऑन 26 जुलाई 2005 एक मुंबई में एक बाढ़ आई थी, फ्लड आया था। और ये क्यों हुई थी? बाढ़ आती है तो क्या होता है, जो पानी बह के आता है नदियों में से, तो उन्हें अगर रास्ता नहीं मिलता है बहकर जाने का, तो वो पानी हमारे गांव में जम जाता है। तो ऐसा ही कुछ मुंबई में हुआ था। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया था, इसीलिए वहाँ पर ये बाढ़ आई थी। ये एक रीज़न था। दस वी सी दैट एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कैन लीड टू वेरियस कैलामिटीज। इसलिए हम ये भी बता सकते हैं कि बहुत सारी कैलामिटीज इस सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट न करने से हो सकती है, या हमारे नेचर में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है। ओके, नाउ वी मेक यूज़ ऑफ मैनी मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स इन आर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, एंड दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। वो अलग अलग प्रकार के हैं। सम ऑफ देम आर रीयूजेबल बट अदर आर अदर्स हैव टू बी डिस्कार्डेड। कुछ तो रीयूज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिसे डिस्कार्ड करना ही होता है या उन्हें हमें डालना ही होता है ना, रीयूज नहीं कर सकते। हाउएवर इफ दे आर नॉट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, और अगर ऐसी चीज़ें हमने प्रॉपर डिस्पोज नहीं की तो ये हमारे एनवायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट करेगी। ये मैंने अभी बहुत बार पढ़ा दिया आपको। नाउ द क्लासिफिकेशन एंड द सोर्स। क्लासिफिकेशन दिया है, बहुत फटाफट इसे पढ़ेंगे। डोमेस्टिक वेस्ट क्या है? हमारे घरों से निकलने वाला कचरा, और मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ते जाती हूँ। तो वेस्ट फूड है, पेपर है, प्लास्टिक पेपर है, प्लास्टिक बैग है, वेजिटेबल वाटर वेस्ट है, फ्रूट है, स्किन्स है, फ्रूट स्किन्स है, ग्लास है, शीट मेटल आर्टिकल्स है, मेटल की कुछ शीट्स होगी या मेटल की चीज़ें निकल रही होगी घर में से, तो ये सारी चीज़ें हैं इन वेस्ट में। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट नेम्स ऑफ फाइव डोमेस्टिक वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट या जार्डस वेस्ट। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया है, इन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको उसे लिखना होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल्स है, पिगमेंट्स, कलर्स होते हैं, स्लज, उसमें से जो ऐसा गाढ़ा सा जो भी निकलता होगा वेस्ट, वो है ऐश है, मतलब क्या बोलेंगे उसे, राख जिसे बोलते हैं, मेटल है, एक्सेट्रा। हजार्डस वेस्ट दिए, हजार्डस मतलब जो बहुत हार्म हमें कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हजार्ड कर सकते हैं। तो केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्रीज में निकलते हैं। और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ऐसे, मतलब कुछ ऐसे मेटल्स हैं या ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो हीट या रेडिएशंस बाहर निकालते हैं, जिनमें से रेडिएशंस निकलते हैं। ऐसे कुछ तो लैब में बनाए भी जाते हैं, तो ये इन रेडिएशंस की वजह से क्या होता है कि ये हमारे बॉडी पर डायरेक्टली असर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, यूरेनियम है, एक और याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो ये रेडियोएक्टिव है, प्लूटोनियम है, अब याद नहीं आ रहा है। सो फार्म गार्डन वेस्ट, लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, क्रॉप रेसिड्यू लाइक स्ट्रॉ, उसके बाद है एनिमल्स यूरिन एंड डंग, पेस्टिसाइड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं खेतों में, रिमेन्स ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स है, इनका भी इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो फार्म और गार्डन वेस्ट में होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है, ई वेस्ट जिसे हम कहते हैं, ये नॉन फंक्शनल टीवी सेट्स जो पुराने हो गए, हमारा टीवी अब सुधरते नहीं है, उसका जमाना भी नहीं रहा, तो ऐसे टीवी कहाँ जाते हैं, सीधे कचरे में जाते हैं। सेल फोन्स हैं, ये भी पुराने होने के बाद बहुत से लोग हम लोग खुद फेंक देते हैं ना, काफ़ी पुराने हो जाते हैं, बॉडी पूरी टूट फूट जाती है और वो अब लेटेस्ट नहीं रहे, लेटेस्ट फंक्शंस उसमें होते नहीं है, तो ऐसे हम डाल देते हैं, तो ये कचरे में ही आ गया है। म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया तो भी डालेंगे, कंप्यूटर हो गया खराब तो भी हम डालते हैं, सुधारने के बाद भी अगर वो खराब ही हो जाता है, एक लिमिट के बाद कोई चीज़ सुधरती नहीं है, तो उसके बाद हम उसे एज अ वेस्ट कहते हैं।
फिर बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, तो जिसमें क्या बोलेंगे हम, मेडिकल से रिलेटेड जो भी वेस्ट निकलता है कचरा, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ से निकलने वाला ये कचरा, बैंडेजेस है, ड्रेसिंग से, ग्लोव्स है, नीडल्स, सलाइन बॉटल, मेडिसिन, मेडिसिन बॉटल, टेस्ट ट्यूब, बॉडी पार्ट्स, ब्लड्स एक्सेट्रा फ्रॉम क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स एंड लेबोरेटरीज, बहुत सारी अलग अलग जगह से ये पूरा वेस्ट निकलता है। फिर है अर्बन वेस्ट, अर्बन वेस्ट मतलब शहरों से निकलने वाला जो वेस्ट है वो वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो कचरा है वो, लार्ज कमर्शियल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा, बड़ी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल को जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तब उस समय पे जो भी वेस्ट निकल रहा है वो कैरी बैग्स है, फिर ग्लास, मेटल पीसेस, रॉड्स, थ्रेड्स, रबर, पेपर्स, कैंस फ्रॉम शॉप्स, वेजिटेबल्स, मीट मार्केट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट एक्सेट्रा। फिर दिया है कुछ रेडियोएक्टिव वेस्ट भी दिया है, यहाँ पर दिया भी है नाम जो मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर है वो। और फिर है माइनिंग वेस्ट। तो स्टूडेंट्स अब मैंने ये दो नहीं पढ़े, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए वर्क हो गया ऐसा आप समझ लीजिए। ओके, सो नाउ इसके बाद जो है ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में इस तरीके का इंटरनल क्वेश्चन आ सकता है। लेट स्टार्ट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेड। सो वेस्ट इज कैटेगराइज इन टू टू कैटेगरी, फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट है जो इजीली माइक्रोब की मदद से हम डिग्रेड कर सकते हैं या उसे नष्ट कर सकते हैं, है ना। कचरा है और नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे माइक्रोब की मदद से इजीली डिग्रेड कर सकते हैं। इट मेनली इंक्लूड्स किचन वेस्ट आएगा इसमें, ऐश आएगा, सॉइल है, डंग है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है, मतलब कुछ गीली सी चीज़ें भी इसमें आ जाएगी, कुछ हम हमारे फूड में किचन में जो खाने के बाद जो फूड बचता है वो भी इसमें आ जाएगा। एंड दिस वेस्ट इज मेनली ऑर्गेनिक टाइप एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वेट सॉलिड वेस्ट। ये ऑर्गेनिक टाइप के है और इसीलिए हम इसे सॉलिड वेस्ट वेट सॉलिड वेस्ट कहते हैं। ऑर्गेनिक टाइप के हैं इन द सेंस हमें किस कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स से ये मिलते हैं, ये सारे वेस्ट जो है लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे पेपर भी इसके अंदर आ जाएगा वो भी डिग्रेडेबल है। फिर नेक्स्ट, इट विट इज केयरफुली डिकम्पोज, अगर हमने इसे केयरफुली डिकम्पोज किया तो इट विल गिव्स अस गुड क्वालिटी फ्यूल, बायो फ्यूल। और इनसे जो फ्यूल बनता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से, वेस्ट से जो भी फ्यूल बनता है उसे हम बायोफ्यूल कहते हैं। फ्यूल का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसे हम जलाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं या उसे हम जला सकते हैं, जैसे लकड़ी है तो वो फ्यूल हो गई, तो इससे भी हमें एक अच्छा बायोफ्यूल मिल सकता है अगर हमने इसे प्रॉपरली डिकम्पोज किया। सच बायोफ्यूल प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड इन मैनी सिटीज, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब शुरू हो चुके हैं, बायोफ्यूल प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं वो शुरू हो चुके हैं। अब है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब इसी के उल्टा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं, इजीली नष्ट नहीं होते हैं, उन्हें डिग्रेड होने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है, और इसीलिए इन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कैटेगराइज करते हैं। और इससे अगर हमें डिग्रेड भी करना है, इसे नष्ट भी करना है, कहीं डिकम्पोज भी करना है, तो ये इसे काफ़ी टेक्निक का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। इट इंक्लूड्स प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक है, मेटल्स है और अदर सिमिलर मटेरियल्स, और इसके जैसे और भी कुछ मटेरियल्स, थर्माकोल्स भी हो सकता है इसके अंदर, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम इजीली डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई सॉलिड वेस्ट एंड ड्राई गार्बेज, जैसे ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब ये जो सॉलिड वेस्ट है इसका कहाँ कहाँ असर होता है, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ ही सकता है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर आप इसे इलेबोरेट भी कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को कंसीडर करके आप अपने मन से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे इसका असर होता है। क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज अगर एक साथ रह रहे हैं तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है,
हमें वो वहाँ पर विविधता नज़र नहीं आएगी, या अलग अलग टाइप्स के जो भी जानवर वहाँ नज़र आ रहे हैं या प्लांट स्पीसीज नज़र आ रही है तो वो हमें नहीं नज़र आएगी। तो यहाँ पर इसका असर होता है। बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट, हाँ सच में बहुत गंदी सी स्मेल आती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक हार्मफुल इफेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, अब क्या होता है कि ये जो सॉलिड वेस्ट है ये वैसा ही पड़े रहेगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और इसमें से कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, होंगे, और फिर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, जहरीले गैसेस इसमें से रिलीज होंगे, जो कि एयर पोल्यूशन होगा, और इससे डायरेक्टली हमारे ऊपर भी असर होगा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे असर होगा। फिर डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, हाँ ऑब्वियसली नेचुरल ब्यूटी भी खराब होते जा रही है। कचरा कचरा, आप सोचिए जरा, जहाँ वहाँ कचरा पड़ा है तो कैसा लगेगा, गंदा सा लगेगा हमें। तो ये नेचुरल ब्यूटी को क्या करना है, खराब करना ही है ना। कहीं पर अच्छा सा गार्डन है मान लो, और गार्डन में हमने जहाँ वहाँ खाए कुछ खाया और डाल दिया प्लास्टिक, तो क्या होगा वहाँ पूरी वो जो हमने जो ब्यूटी वहाँ बनाई है, अगर हमने गार्डन बोला है तो हमने खुद क्रिएट किया है और उस गार्डन को फिर हमने ही खराब कर दिया। दैट मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये हमने बनाए हुए चीज़ों को खराब करना, और या फिर एनवायरमेंट में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसे भी खराब करना बोले तो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी हो जाएगा। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, देन स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस का स्प्रेड भी इसकी वजह से होता है। तो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहे हैं, और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें इनका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर दिस पर्पज़ वी शुड इम्प्लीमेंट मेजर्स, इस पर्पज से हमें कुछ उपाय करने चाहिए। वो उपाय हमने पहले से लिख कर रखे हैं, हमारे बुक में भी दिया है, और इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होंगे और कुछ में केवल ब्लैंक्स दिए होंगे, तो वो आपको फिलअप करना होगा। सो साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट, साइंटिफिकली हम वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं कैसे, साइंटिफिकली एंड इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब ऐसा कि हमारे एनवायरनमेंट को भी इससे कोई नुकसान ना हो, और साइंटिफिकली मतलब साइंस के आधार पर बेस्ड मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर पहला है सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन। तो हमें वेस्ट को सेपरेट करना चाहिए, जैसे हम घरों में भी करते हैं, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन में डालते हैं। तो इस तरीके से हर इंडस्ट्रियल एरियाज में भी अगर वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्रीज में से, तो वो भी सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसे डिस्पोज करना चाहिए। इसके बाद एक कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि लिविंग पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, या ओल्ड फूड मटेरियल है, तो ऐसी चीज़ों को हम सॉइल के साथ मिक्स करके कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। इस ये मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोस्टिंग करेंगे तो भी हमें कुछ इससे खाद जैसी चीज़ मिल सकती है। इसके बाद है सेफ लैंडफिल साइट्स, कुछ ऐसे गाँव के बाहर खुली जगह में कुछ लैंडफिल साइट्स होनी चाहिए, मतलब ज़मीन में गड्ढे किए जाने चाहिए, और उन गड्ढों में प्लास्टिक का एक पूरा प्लास्टिक, बड़ी सी प्लास्टिक बैग डाली जाती है, और जिसमें पूरा कचरा भर दिया जाता है, और कचरे में बीच बीच में अलग अलग लेयर्स भी डाली जाती है, भूसे की लेयर्स होती है, उसके बाद फिर से कचरा, उसके बाद फिर मिट्टी की लेयर होती है, फिर से कचरा, कुछ अगर कुछ माइक्रोब्स होगा तो इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर ये कुछ दिनों के लिए पैक कर दी जाती है साइट, पूरी जगह को बंद कर दिया जाता है, और थोड़े दिनों के बाद निकाला जाता है, तो वहाँ से हमें एक अच्छी क्वालिटी का क्या बोलेंगे खाद मिल सकता है। ओके, तो सेफ लैंडफिल साइट्स भी होनी चाहिए। उसके बाद मतलब इस तरीके से हम इसका डिस्पोज कर सकते हैं। फिर है वर्मी कंपोस्टिंग, हम पर्टिकुलर क्या बोलेंगे वॉर्म्स की मदद से भी कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, तो ये भी मेथड हो सकती है कि वेस्ट को हम, जैसे खेतों में से निकल रहा है कुछ कचरा, तो उसको कैसे, वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, तो हम वर्मी कंपोस्टिंग करके उस कचरे का ठिकाना लगा सकते हैं। ओके, फिर है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लैंडफिल मेथड, यहाँ पर भी हम लैंडफिल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब इनका प्रॉपर मैनेजमेंट हमें करना है, इंडस्ट्रीज में से निकल रहा है जो कचरा, इसे हम लैंडफिल मेथड से मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है पायरोलिसिस, इसका मतलब क्या होता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर।
किसी भी जो भी वेस्ट निकल रहा है उसे हाई टेम्परेचर पे अगर हम बर्न करते हैं तो उसे हम पायरोलिसिस कहते हैं। ये मेथड से भी हम कचरे का, वेस्ट का ठिकाना लगा सकते हैं। ये कैसा, तो बायोगैस प्रोडक्शन भी किया जाता है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। एक और दिया है बायो इलेक्ट्रिसिटी। तो बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हमारे ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो इनकी मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया जाता है और इनकी मदद से एनर्जी को, एनर्जी का कंटिन्यूस प्रोडक्शन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये बहुत मिलीवाट में होती है स्टूडेंट। और अगर ये कंसेप्ट आपके ध्यान में नहीं भी आ रहा है तो आप एक एग्जांपल ध्यान में रख सकते हैं बायोगैस, और अगर नाम याद रखना है तो बायो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे ध्यान में रख सकते हैं। शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है क्योंकि पहली बार ये दिया हुआ है। उसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल मतलब अगर मेडिकल में से कुछ निकल रहे हैं, कुछ चीज़ें निकल रही है, बैंडेजेस है या कॉटन है या ग्लोव्स हैं या और भी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो इनका पहले तो सेपरेशन कर लेना चाहिए और उसके बाद इन वेस्ट को इंसिनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इसे एक मशीन होती है, उस मशीन में डालकर उसे जला सकते हैं। ओके, तो इंसिनरेशन ये मेथड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हो गई है हमारी पूरी मेथड, तो इस तरीके से हम इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और इसके बाद का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।